क्योंकि आज हम लोग का जो हमारी साहू समाज के लोग राजनीतिक भागीदारी जो नहीं मिल पा रही है उनके लिए मैं लड़ने का काम करूंगा। मेरी पार्टी कोई मेरे बंधन नहीं है, मैं असली पार्टी जनता को ही शुरू से देता हूं कि जनता ही मेरी असली पार्टी है। मेरा काम है चुनाव लड़ना और शेष जनता डिसीजन ले कि कौन सही कौन गलत है, किनको जिताना नहीं जीता जनता डिसीजन देगा। जब से ये घोषणा की है अगले रविवार को, तब से हम लोगों के बीच में पूरे समाज से मैसेज आ रहा है कि डॉक्टर साहब चुनाव लड़ेंगे ना। आज के लोग बोल रहे हैं कि मेरा सपोर्ट रहेगा 200%। साहू समाज द्वारा आगामी 23 अप्रैल को भामाशाह जयंती मनाने को लेकर प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ सह जिला अध्यक्ष साहू समाज डॉक्टर नीरज साह की उपस्थिति में प्रखंड स्तर पर एक दिवसीय जन जागरण बैठक का आयोजन किया गया। डॉक्टर नीरज साह की अध्यक्षता में लक्ष्मीपुर में एक दिवसीय जन जागरण बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में साहू समाज के दर्जनों लोगों ने उपस्थित होकर एक मत होकर भव्य रूप से आगामी 23 अप्रैल को भामाशाह जयंती मनाने का निर्णय लिया। भामाशाह की जयंती के उपलक्ष्य में जमुई में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिले भर के साहू समाज के हजारों लोग शामिल होकर साहू समाज की चट्टानी एकता का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर नीरज साह ने झाझा विधानसभा से 2025 में चुनाव लड़ने पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर उनको किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिलता है तो भी वे निर्दलीय रूप से विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि साहू समाज की इतनी आबादी होते हुए भी राजनीति में साहू समाज पिछड़ा हुआ है। साहू समाज के लोगों को भी राजनीति में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, तभी साहू समाज के लोगों का समुचित विकास हो सकता है। वहीं कार्यक्रम के दौरान जिला परिषद सदस्य अनिल साह ने कहा कि साहू समाज के लोगों को सभी राजनीतिक पार्टीज के द्वारा केवल वोट बैंक के रूप में देखा जाता है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल द्वारा साहू समाज के लोगों को इतना मान सम्मान नहीं दिया जाता जिसके वे अधिकारी हैं। इसलिए साहू समाज के सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा और अपनी चट्टानी एकता का परिचय देना पड़ेगा। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर नीरज साह, जिला परिषद सदस्य अनिल साह, दिलीप साह, पवन साह, संतोष साह, मंटू साह समेत साहू समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने अपना अपना वक्तव्य दिया। कार्यक्रम के दौरान साहू समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आज कार्यक्रम 23 तारीख को जम्मू में भामाशाह जयंती मनाने का कार्यक्रम चल रहा है और उन्हें उसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं प्रखंड लेवल पर कार्यक्रम रखा हूँ। आज लक्ष्मीपुर प्रखंड में कार्यक्रम चल रहा है और इन्हीं सब कार्यक्रमों को हमारे कार्यक्रम सफल हो देखते यहाँ के लोगों का आह्वान किया हूँ, समाज साहू समाज के लोगों का आह्वान किया हूँ, आप वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या आवें और सफल को बनाएं और तभी हम लोग की आज हम लोग का जो हमारी साहू समाज के लोग राजनीतिक भागीदारी जो नहीं मिल पा रही है उनके लिए मैं लड़ने का काम करूँगा। आपने चुनाव लड़ने की घोषणा किया है तो किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? देखिए मैं भाजपा से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन मैं मेरी पार्टी कोई मेरे बंधन नहीं है, मैं असली पार्टी जनता को ही शुरू से देता हूँ कि जनता ही मेरी असली पार्टी है। मेरा काम है चुनाव लड़ना और शेष जनता डिसीजन ले कि कौन सही कौन गलत है, किनको जिताना नहीं जीता जनता डिसीजन देगा। मेरा काम है चुनाव लड़ना, पार्टी टिकट दे और नहीं दे तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, कोई पार्टी मेरे लिए अछूत नहीं रहेगा। 23 तारीख को भामाशाह जयंती मनाई जाएगी तो क्या तैयारियां हैं जिले में इसके लिए? पूरे जिले के लोग आएंगे और पूरा अभियान एकदम भव्य रूप से है, हाथी है, घोड़ा है, पूरे बाजे गाजे के साथ हम लोग नगर भ्रमण करेंगे और सारे जितने भी स्वजाति बंधु जम्मू जिले से आएंगे सारे लोग का वहाँ बैठने का उठने का भाषण भोजन व्यवस्था है पूरे जिले के लोगों के लिए। डॉक्टर साहब चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं तो किस तरह से सपोर्ट रहेगा साहू समाज का? साहू समाज का 100% नहीं 200% सपोर्ट रहेगा और सिर्फ साहू समाज ही नहीं अन्य समाज के लोग ललायित हैं डॉक्टर साहब के प्रति और पूरे समाज। जब से ये घोषणा की है अगले रविवार को, तब से हम लोगों के बीच में पूरे समाज से मैसेज आ रहा है कि डॉक्टर साहब चुनाव लड़ेंगे ना 100%। तो मैंने कह दिया कि 200% चुनाव लड़ेंगे, तो सभी समाज के लोग बोल रहे हैं कि मेरा सपोर्ट रहेगा 200%। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर